नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आपको बता दूं कि आज जैन समाज द्वारा फिर एक बार जुलूस निकालकर कर्नाटक में हुए जैन मुनि की हत्या पर रोष जताते हुए हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की और उन्होंने एक जुलूस निकालते हुए एक ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा। ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता बंटी राजपूत, और उनसे जानना चाहिए किस तरह आज यहाँ पर जो जैन समाज द्वारा जुलूस निकाला गया है उनकी क्या मांगे थी। नमस्कार लोकेन जी, आज आपको बता दें शहर सरकार आपके दौर कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन जयवर्धन सिंह जी आरोन पहुंचे थे। यहां पर जैन समाज अपना ज्ञापन लेकर तहसील प्रांगण में पहुंचा था, साथ में सर्वप्रथम वो उसमें सम्मिलित हुए और सम्मिलित होकर उन्होंने जैन समाज के साथ में जो जैन मुनि संत की हत्या हुई है उसके विरोध में जैन समाज के साथ में ज्ञापन दिया और उन्होंने भी इस पर गहरी निंदा जताई है। बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। आदरणीय एसडीएम साहब, आदरणीय हमारे जैन समाज के परम आदरणीय अध्यक्ष जी, विजय कुमार टोड़िया जी, विजय कुमार जी, आदरणीय हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय मिंटूलाल जैन जी, हमारे जैन समाज के सभी, हमारे प्रतिष्ठित परिवार के सभी गणमान्य साथीगण, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, जय जिनेंद्र अर्ज करता हूँ। मैं दो दिन पहले ही अशोकनगर में भी था, वहाँ पर हमारे परम पूज्य आजम सागर जी महाराज आचार्य श्री वहाँ विराजमान थे और मैंने वहाँ पर भी ये बात रखी थी और वहाँ पर स्वयं जो हमारे जैन समाज के अध्यक्ष जी जो थे अशोकनगर के, उन्होंने भी ये मांग की थी कि जो हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध जैन मुनि की जो वहाँ पे हत्या की गई है, इसको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और मुझे बताया भी गया है कि क्योंकि वहाँ पे सरकार कांग्रेस की है, दो जो आरोपी हैं वो पकड़ में भी आ चुके हैं और उनको सबसे कड़ी सजा मिलेगी, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। लेकिन वहाँ पर जो मांग जैन समाज की थी वो इससे एक एक कदम आगे की थी और वो ये थी कि हमारे पूरे भारत में अनेकों जैन मुनि, जैन महात्मा आचार्य जी पैदल चलते हैं, गांव से गांव पैदल चलते हैं, शहर से शहर पैदल चलते हैं, जिले से जिले पैदल चलते हैं, प्रदेश से प्रदेश पैदल चलते हैं और ऐसे में अनेकों हमने देखा है कि उनके साथ जनसैलाब होता है लेकिन सुरक्षा नहीं होती है। और हमारी आपसे प्रार्थना है माननीय एसडीएम साहब कि कुछ ऐसा हमारी बात आप पहुंचाएं माननीय राष्ट्रपति जी तक, जिसमें कि जहां जहां हमारे जैन मुनि पैदल चल रहे हैं कम से कम उनके लिए एक पायलट गाड़ी साथ में रहे पूरे देश भर में। अगर ऐसी व्यवस्था बनेगी तो मैं मानता हूं हमारे जैन समाज के लिए एक बहुत ही एक ये अच्छा संदेश जाएगा। इसके साथ साथ मैंने पहले भी ये बात कही है और मैं पुनः कहूंगा, हम सबकी मांग है कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को भारत रत्न दिया जाए। वो हमारे सिर्फ जैन समाज के नहीं, पूरे भारत और विश्व के हमारे गौरव हैं और उनको जरूर इस पद से सम्मान मिलना चाहिए, ये सम्मान मिलना चाहिए।